सो ही गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। एंड गाइस आज फिर से हम कस्टम की वीडियो ले आया हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। पिछला कस्टम वीडियो आप सबको पसंद आया था एंड यार 200 का लाइक हम नहीं हुआ था तो कोई बात नहीं, आपको पसंद आया वही बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं आज माचैम वर्सेस माचैम में कैसा गेम प्ले होता है। साथ में मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है अपना इंस्टा एंड डिस्कॉर्ड दोनों की लिंक। आप मुझे कहीं पे भी फॉलो या ज्वाइन करके ये बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हो, आप आना चाहते हो तो मुझे ज़रूर मैसेज करना। मैं देखूंगा जैसी मुझे टाइमिंग मिलेगा मैं आपको मैसेज करूंगा। इस टाइम पे अगर आप अवेलेबल हो तो आ जाना कस्टम वीडियो में, तो आपके पास एक चांस हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में आने का। बाकी देखते हैं यहाँ पे स्टैक कंप्लीट करने की कोशिश करने हैं। अरे दोनों ने कर नहीं, गोजो यहाँ पे करने नहीं दे रहा। लेट्स सी यहाँ पे सिक्योर कर पाते गोजो। गोजो ने अपना पहला फार्म यहाँ पे सिक्योर कर लिया एंड आयुष को आई थिंक दिक्कत होगी अब यहाँ से रन करने में, एचपी काफ़ी लो हो गई है। गोजो ने किल कर दिया तो अर्ली मैप अर्ली भाई किल होना मतलब कि स्टैक कंप्लीट करना। एंड देखते कैसा जाता है मैच इन दोनों का। ओके यहाँ पे दो स्टैक हो चुके हैं गोजो के एंड अभी आयुष भाई सेंटर फार्म ऑक्यूपाई कर रहे हैं लेवल 5 अर्ली मूव के साथ इन्होंने ओपन कर लिया है। तो अभी फ़िलहाल तो गोजो लीड में, लेट्स सी भाई क्या होने वाला है और देखते हैं इनका रिएक्शन क्या है क्योंकि ये भी मेरे साथ ज्वाइन है। लेट्स सी ये क्या बोल रहे होते अभी के टाइम स्टैक करने गए थे किल हो गए। कुछ नहीं भाई, मैं तो मजे करने गया था स्टैक। अटैक बीट लगाया क्या आपने? हाँ वैसे गोजो के सारे स्टैक कंप्लीट हो गए आई थी एंड लेवल भी थोड़ा एक लेवल अप है आपसे। क्या करूं भाई, गरीब हूँ भाई, स्टैक नहीं करने देता गोजो भाई भी लाइक स्टैक नहीं तो ऐसी लेवल अप कर लेते। ओ आयुष मेरे जंगल में घुसेगा, ये बवासीर चीजें मत कर बे। ओ दोनों की एचपी काफी कम है बट गोजन क्या रहे मैं साथ होगी छह लेवल पे भी तीन चार डिफेंड है आठ लेवल के मार्शल को क्या मारा था अभी। क्या बढ़ा के रखा है तूने वैसे? क्या मालूम, मैंने तो देखी इस पे निंजा के लगा के रखे हैं। जैसे स्टैक कर ले हुए अभी टॉप पे पॉइंट में गद्दारी कर बे। मतलब आ रहे अब मत जा भी आ जाएगा जब तक तू पहुंचेगा। आ गया वो भी यूनाइट हो गया। वाह 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 लेवल डिप हो गया भाई इसके अंदर और कुछ नहीं। लेवल डिप हो गया थोड़ा देखो ना सात का हो भाई वो नॉलेज का बन के घूम रहा है। आयुष भाई के लिए दिक्कत हो गई। अर्ली क्या कहते हो पॉइंट में किल दे दूं उसको फ्री का। अर्ली मैच नहीं मरना चाहिए था, मैं तो सोचा स्टैक कर लिया। पॉइंट में सासु के भी यही चीज कर रहा था लेकिन वो पता नहीं पुली लगाई थी उसने इसलिए बच गया। वो मेरी मूवमेंट स्पीड उसको फिर स्लो नहीं कर पाया मेरे मूव्स उसको। भाग्य वही तुम ओहो रोक लिया। ओ शिट क्या मार पाएगा? ओहो अच्छा भागा तू। रन रेस लेट्स सी क्या पकड़ पाएगा आयुष भाई उसको। अरे आयुष भाई लेट्स गो पी स्केप स्किप। वाओ वाओ अच्छा भागा भाई विदाउट मार देता मैं। ओहो अरे भाई लो बराबर हो गया। आयुष मिस हो गया बफ है अभी तेरे पास साल्ट वाले बफ है बोल रहा हूँ ना तेरे पास साल्ट वाले बफ है। चलो और मैं तेरा फार्म ही खा लेता हूँ। क्रॉस चॉप में 1000 का डैमेज जाता है एक साथ एंड ये कौन सा मूव है जो तू चला रहे गोजो? ये क्लोज कॉम्बैट। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर क्रॉस चॉप चलता है। अभी भी दो का लेवल टूटे भाई लेकिन पता है क्या पॉइंट भाई क्लोज कॉम्बैट का एक्चुअल ज्यादा डैमेज है। देखो ये बहुत ज्यादा देता है। अरे क्लोज कॉम्बैट नहीं था भाई क्या बात कर रहा चलता नहीं है लेकिन वो पता है डैमेज डीलिंग में अच्छा है।
हील भी कर लेता है उनके लिए। देखो थोड़ा मिनी एचपी का हील भी कर लेता है ना ये, इसलिए बोल रहा हूँ। वैसे अच्छा लगता है, ये इम्यून रहता है इसलिए मेरे को ज्यादा पसंद है। तेरे तो सारे मूव प्लस भी हो गए। वही तो बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा वो मेरे से हमेशा लेवल दो के डिप में रह रहा है भाई। क्या बोले, ओहो ओके बढ़िया। अरे यार टोपी बोलते आयुषी, देखा देखा ये ओके चल बच तो गया तू इतने भाई। भाई हमेशा तुम लेवल डिप में रहता भाई, डैमेज अच्छा दे देता है इसको भी, थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस आई थिंक इसलिए किल हो रहा है। मैं तो लेवल 6 लेके उसको 8 पे मैंने जीरो कर दिया था। नहीं जीरो नहीं, देखो 20% या 30 के आसपास रखी थी एचपी है ना, अगर तो उतना ही बार बार रह रही है एचपी उतने रह गए। कितना अच्छा चांस है गोलो आयुष भाई के पास, टैग कर ले आयुष भाई। पॉइंट में गद्दारी कर, मैं फिर से बता रहे उसको। मैंने तो बोला, मैंने तेरी लोकेशन थी ना बता इस बार। ये लो अब देखना पॉइंट भाई क्या करता हूँ इसका, इसने टैग करके बहुत बड़ी गलती की। आयुष बेबी लेट्स गो। ओ नाइस आयुष कर सकते है? अरे यार जरा हम भी को दिखा तुम्हें अपनी अल्ट का डैमेज। ये सही लगा था, उनसे 14 लेवल आपने 14 हो गया क्या मतलब, मैं तेरा जंगल इन्वेड करके आया। ये गेम बेकार हो गया भाई मेरे लिए लेजिट। राइट साइड इन द लीड, मैं कुछ और खेल लूंगा भाई। ओहो क्रिट कितना अच्छा लग रहा है आयुष भाई। ओ ओपी आयुष, ओ क्रिट क्रिट भाई गलत टाइम पे लगा, पता है गलत टाइम पे क्रिट लगा। वही तो क्रिट काफी हाई लग रहा था, मैंने बोला तो क्रिट काफी हाई जा रहा है। आयुष इस मैच के बाद बताइए भाई कितने का क्रिट लगा रखा है। मैंने बस 20 का या 34 का कर रखा है, 3.4 ज्यादा नहीं भाई, 5 का क्रिट भाई। पॉइंट में देख रहे हो भाई काफी डेडली। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, लेवल आई थिंक सेम हो गया हो। नहीं मेरा गोल, भाग लो भाग लो भाग लो भाग लो। आयुष भाई क्या आयुष भाई, ओपी आयुष भाई, मजा आ गया लास्ट फाइट में भाई, मजा आ गया भाई भाई मजा आया एकदम। ये बंदे को क्रिट पॉइंट भाई, इसके बंदे इस बंदे के क्रिट ने इसको बचा दिया भाई। एक्चुअली ओपी डैमेज दे भाई, ओपी डैमेज। ये पता है पॉइंट भाई एक बेसिक में मेरे पूरे सही में बहुत क्रिट मार रहे हैं एक बेसिक में। ये भाई मैं अल्टी चार्ज कर जाऊंगा, साला अल्टी दबाने वाला है। देखो अगर मैं छोटा मोटा होऊंगा अभी तो हो जाएगा मेरा कवर। हो गए मेरे सेट हो गए। एक चीज मेरे साथ बहुत बढ़िया हुई, क्या हो मेरे क्रॉस टॉप के स्टैक हो गए ना। हाँ वही तो है, इसीलिए लास्ट फाइट में डैमेज भी अच्छा आ गया तेरा। पॉइंट भाई देखो भाई अभी फाइट करेंगे अवॉर्ड क्योंकि हमको है जीतना। ज्यादा का डिफरेंस नहीं है वैसे गोलिंग में भी देखा जाए तो, ये है कि लास्ट फाइट जो जीतता है वे कर सकते हैं। मैं पॉइंट भाई यहीं पे अपना राक्षस बन के बैठा रहूंगा, आ जा बेटे। डोमी की तरह वो पता नहीं ऑफलाइन है, वो पता 4 बजे जो 4 बजे 3 बजे मेरे को मैसेज कर रहा है भड़वे आ जा खेलने। डोमी भी ऐसी लास्ट फाइट में किया था उसने, मगर क्या पता रिक्वेजर ले ले। पोक कर रहा साला रिक्वाजा को, हट भांग भोसड़ा।
आयुष आजा बॉटम पे आजा जल्दी है, 10 सेकंड है जल्दी, मैं राक्षस हूँ जल्दी। एल चला दो आना, वे अपने गोलिंग पे है, गोल पे उछाल ले जल्दी आ, भाग भोसड़ा। ज्यादा भाई लास्ट मैच आयुष भाई आपने वे कर लिया, रन अप कर लिया। भाई मेरे को तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा, मैंने इसको कैसे मारा 2 लेवल के डिप में। भाई तेरे क्रिट मजा आ गया, कोई भी देखो उसका डैमेज देखो, एक्चुअली उसका डैमेज देखो 47। ओके भाई अच्छे, मतलब इसके पास बिल्ड एंड एम्बलम का सेट अच्छा है। वही वही, अगर इस वीडियो पे 200 लाइक होते हैं तो आयुष भाई अपने एम्बलम का सेट रिवील करें। क्यों आयुष भाई कर दोगे ना? लेट्स गो। आपको कौन से पोकेमोन के साथ चाहिए तो मैं जरूर लाने की कोशिश करूंगा। टिल देन गाइस गुड बाय।